हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपकी फ्रेंड वर्षा। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बीएड एंट्रेंस एग्जाम के रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट की, जिसके लिए हमने आज न्यू टॉपिक लिया है जो कि हमारा ब्लड रिलेशन। फ्रेंड्स, ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले जो भी सिचुएशन दे रखी है आप उसको अपने ऊपर लाई करके देखिए। जब वो आप अपने ऊपर उस चीज को सोचेंगे तो आप इजिली उसका आंसर कर सकते हैं, ठीक है। ये इसकी एक ट्रिक होती है और बहुत ही सिंपल है, और आई होप ये आपको खुद भी पता होगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है इंट्रोड्यूसिंग अ गर्ल, यानी एक गर्ल को इंट्रोड्यूस करके रामप्रसाद ने कहा, हर मदर यानी कि उसकी माँ इज द ओनली डॉटर ऑफ माय मदर इन लॉ। हाउ इज रामप्रसाद रिलेटेड टू अ गर्ल, यानी कि फ्रेंड्स रामप्रसाद एक व्यक्ति है जिसने कहा कि इस लड़की की माँ मेरी ग्रैंड मदर, मेरी ग्रैंड जो मेरी मदर इन लॉ है उसकी बेटी है। यानी कि फ्रेंड्स राम प्रसाद की मदर इन लॉ कौन हुई, यानी कि उनकी सास, और उनकी सास की बेटी यानी कि उनकी वाइफ हो गई, और उनकी वाइफ की बेटी यानी खुद राम प्रसाद की बेटी हो गई। तो हमें बताना है कि राम प्रसाद इस लड़की से किस तरह से रिलेटेड है, फादर, हस्बैंड, ब्रदर या फिर कैन नॉट बी डिटरमाइंड। तो फ्रेंड्स इजिली आंसर निकल गया, वो उसके फादर है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मालती इज द मदर ऑफ रोहन, यानी कि जो मालती जो है वो क्या है, रोहन की मदर है। समीर इज द फादर ऑफ अजीत, समीर जो है फादर है अजीत का। अजीत इज द ब्रदर ऑफ रोहन, यानी कि इन दोनों में रिलेशन है, कौन सा, ब्रदर का, ठीक है। एंड दीपू यानी कि इनका एक और बेटा है दीपू, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, मालती इज द मदर ऑफ दीपू, ये सही है। समीर इज द हस्बैंड ऑफ मालती, ये भी सही है। समीर हैज थ्री चिल्ड्रन, ये भी सही है। अजीत इज द डॉटर ऑफ मालती। तो फ्रेंड्स अब यहाँ पे लिखा है अजीत जो है वो डॉटर है मालती के, तो फ्रेंड्स यहाँ पर ये गलत है, ठीक है। यहाँ पर ये नहीं बताया गया है कि अजीत का जो जेंडर है वो क्या है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप फ्रेंड्स यहाँ पे देखेंगे तो ऑप्शन फोर जो है वो हमारा रॉन्ग है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे अजीत का जेंडर नहीं बताया गया है कि ये मेल है या फीमेल है, तो हम नहीं बता सकते उसकी डॉटर है या उसका सन है, ठीक है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे हमारा रॉन्ग है, यानी कि हमारा यहाँ पर आंसर होगा। नेक्स्ट आते हैं, शेफाली इज द सिस्टर ऑफ द सन ऑफ अलोक सन, यानी कि अलोक के बेटे की, ठीक है, अलोक के सन के सन, इसका सन की सिस्टर है, ठीक है। यानी कि हाउ शेफाली रिलेटेड टू अलोक, अब अलोक शेफाली से किस तरह से रिलेटेड है, सिस्टर, ग्रैंड मदर, नाइसी या ग्रैंड डॉटर। तो फ्रेंड्स अगर इसके राइट आंसर की बात करें तो हो गया ग्रैंड डॉटर, क्योंकि यहाँ पर शेफाली जो है वो सिस्टर है, यानी कि यहाँ पे ये क्या है, फीमेल है। अलोक के बेटे की बहन है, तो यानी कि उसकी डॉटर हो गई, तो ग्रैंड डॉटर यहाँ पे ऑप्शन डी राइट आंसर है। बहुत सिंपल है ना, आप इजिली कर लेंगे इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट है, पॉइंटिंग टू अ मैन इन अ फोटोग्राफ, यानी कि एक फोटोग्राफ पे पॉइंट करके एक आदमी को, अ मैन सेज, एक आदमी ने कहा, एक आदमी की तरफ इशारा करते हुए फोटो में, ही इज द सन ऑफ द मदर ऑफ माय मदर्स ओनली डॉटर इन लॉ, यानी कि मेरी मदर की डॉटर इन लॉ कौन हो गई, यानी कि उसकी बहू, ठीक है, उसकी बहू हो गई की मदर का वो सन है, ठीक है। तो यहाँ पर अब हमें बताना है, हाउ इज द मैन, इज द फोटोग्राफ रिलेटेड टू द मैन मेकिंग द स्टेटमेंट, ब्रदर, सिस्टर, ब्रदर इन लॉ या फिर सन। तो फ्रेंड्स अगर हम यहाँ पर राइट आंसर पर आए तो देखिए, माय मदर्स ओनली डॉटर इन लॉ यानी कि उसकी वाइफ हो गई, मदर ऑफ माय वाइफ कौन हो गई, माय मदर इन लॉ। तो इसके अकॉर्डिंग जो आंसर होगा वो क्या आ जाएगा, यहाँ पर ऑप्शन सी जो कि हमारा ब्रदर इन लॉ हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर है। नेक्स्ट आते हैं, पी प्लस क्यू मीन्स, ठीक है, पी प्लस क्यू का मतलब क्या होता है, पी इज द सन ऑफ क्यू, पी माइनस क्यू का मतलब होता है पी इज द वाइफ ऑफ क्यू, और पी इंटू क्यू का मतलब होता है पी इज द ब्रदर ऑफ क्यू, एंड पी डिवाइडेड क्यू का मतलब होता है पी इज द मदर ऑफ क्यू, एंड पी इक्वल टू क्यू का मतलब होता है पी इज द सिस्टर ऑफ क्यू। इट मीन्स हमें अब ये बताना है, तो ए प्लस बी क्या हो गया, मतलब ए कौन है, बेटा है किसका, पी का, ए इज द सन ऑफ पी, ठीक है।
माइनस सी, माइनस सी का मतलब क्या होता है, अब बी कौन है, वाइफ है क्यू की, ठीक है, बी कौन है, वाइफ है सी की, बी इज द वाइफ ऑफ सी, तो इसका मतलब यहाँ पर क्या निकल कर आया, ए इज द सन ऑफ बी एंड बी इज द वाइफ ऑफ सी, सो इसका मतलब क्या है कि सी जो है वो फादर है ए का, ठीक है, सी कौन हो गया, ये इसका फादर हो गया, किसका, ए का, सी इज द फादर ऑफ ए, सी इज द सन ऑफ ए, सी इज द अंकल ऑफ ए, सी इज द ब्रदर ऑफ ए, तो फ्रेंड्स ऑप्शन ए राइट आंसर है, सी इज द फादर ऑफ ए, इजिली हमने ये निकाल लिया, ठीक है. नेक्स्ट आते हैं, अब देखिए फ्रेंड्स आपको ये उसी के अकॉर्डिंग देखना है, ठीक है, तो आप देख लीजिए ए इंटू बी डिवाइडेड बाय सी का मतलब क्या है, ए इंटू बी यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं फ्रेंड्स एक बार, क्योंकि यहाँ पर आप इजिली इसको चेक कर पाएंगे, ठीक है, ए क्या था हमारा क्वेश्चन, ए इंटू बी फिर डिवाइडेड सी, यहाँ नोट कर लेते हैं ए इंटू बी डिवाइडेड बाय सी, तो ए इंटू बी का मतलब क्या हो गया, ए जो है वो ब्रदर है, किसका ब्रदर है, बी का, ये ब्रदर वाला ब्रदर है, ठीक है, ए ब्रदर है बी का, और उसके बाद डिवाइड का मतलब हो गया जो बी है हमारा वो हमारा क्यू की यानी सी की कौन है, मदर, ठीक है, अब क्या है, ए कौन है, ए ब्रदर ऑफ बी एंड बी इज द मदर ऑफ सी, तो इसका मतलब क्या हो गया, ए मैटरनल अंकल है सी का, ठीक है, मैटरनल अंकल हो गया, तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर ऑप्शन में ए मैटरनल अंकल होना चाहिए सी का, तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन ए में ये नहीं है तो ये कट गया, बी मैच नहीं कर रहा ये कट गया, सी मैच नहीं कर रहा तो ये कट गया, इसलिए ऑप्शन सी जो है वो हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है. नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन की 7, पॉइंटिंग टू अ गर्ल इन अ फोटोग्राफ, यानी एक फोटोग्राफ में पॉइंट करके एक लड़की की तरफ मुकेश ने कहा हर मदर्स ब्रदर, यानी कि उसकी माँ का ब्रदर, तो यहाँ पर आप डायरेक्ट लिख सकते हैं उसका कौन हो गया, मामा, इज द ओनली सन ऑफ माय ग्रैंडफादर, मेरे ग्रैंडफादर का ओनली सन है, ही इज गर्ल्स मदर रिलेटेड टू मुकेश, अब उस गर्ल की मदर मुकेश से किस तरह से रिलेटेड है, तो फ्रेंड्स देखिए ओनली सन ऑफ ग्रैंडफादर मींस क्या होता है, माय फादर, ठीक है, माय फादर सिस्टर, तो क्या हो गया उसका, वो आंट हो गई उसकी, तो ऑप्शन है आंट, सिस्टर, मदर और ग्रैंड मदर, तो देखिए ऑप्शन ए जो है वो हमारा राइट आंसर होगा, आंट, ठीक है. नेक्स्ट आते हैं, अब यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स ये हमें एक स्टेटमेंट दिया हुआ है, इसके अकॉर्डिंग हमें देखना है, तो P प्लस Q का मतलब क्या होता है, ए इज द, यानी कि P कौन है, सन है किसका, Q का, अब Q मल्टीप्लाई R, Q मल्टीप्लाई R का मतलब क्या होता है, Q जो है हस्बैंड है R का, Q यानी कि ये हस्बैंड है किसका, R का, R क्या है, फीमेल है, और उसके बाद है माइनस, तो फ्रेंड्स माइनस का मतलब यहाँ पे होता है ए इज द डॉटर ऑफ बी, यानी कि आर कौन है, डॉटर है एस की, ठीक है, तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखा आपने क्यू हस्बैंड है आर का, आर डॉटर है एस की, तो पी कौन हो गया इसमें, पी कौन हो गया, पी हो गया यहाँ पर अगर हम देखें, इफ पी, पी भी तो है, तो यहाँ पर हमें बताना है कौन सा ट्रू नहीं होगा, ए इज, एस इज द मदर इन लॉ ऑफ क्यू, R is the wife of Q, P is the grandson of S, और S is the mother of P. तो हमें यहाँ पर wrong देखना है जो हमारा match नहीं कर रहा, तो wrong में देखें तो ये हमारा match नहीं कर रहा, जबकि S is the mother-in-law of Q, ये सही है, R is the wife of Q, ये भी सही है, P is the grandson of S, अगर देखें ये P, तो ये भी सही है, जबकि S is the mother of P, ये गलत है, ये P की mother नहीं है, ठीक है, P की mother कौन है, आर, ठीक है, तो ऑप्शन डी हमारा यहाँ पे राइट आंसर है. नेक्स्ट आते हैं, पॉइंटिंग टू अ वुमेन इन अ फोटोग्राफ अ मैन सेड द सन ऑफ हर ओनली ब्रदर इज द ब्रदर ऑफ माय वाइफ, हाउ इज द वुमेन रिलेटेड टू अ मैन, यानी कि फ्रेंड्स जो ब्रदर है इसका मतलब ये हो गया वुमेन का ब्रदर जो है उसका फादर इन लॉ है, ठीक है, तो इसका मतलब वुमेन सिस्टर है मेरे फादर इन लॉ की, ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स सिस्टर इन लॉ, सिस्टर ऑफ फादर इन लॉ, तो यहाँ पे देखिए ऑप्शंस में जो हमारा ऑप्शन है
इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन बी राइट आंसर है, सिस्टर ऑफ ब्रदर इन लॉ, जबकि अदर ऑप्शन हमारे कट जाते हैं, तो ऑप्शन बी यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट अब हम ये लास्ट क्वेश्चन करेंगे और रिमेनिंग क्वेश्चन अपने नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है, पॉइंटिंग आउट अ लेडी, करीम सेड शी इज द डॉटर ऑफ द वुमेन हु इज द मदर ऑफ द हस्बैंड ऑफ माई मदर। यानी कि फ्रेंड्स, जो रिलेशन यहाँ पर बताया गया है, मदर्स हस्बैंड का मतलब यहाँ पर यह है मदर के हस्बैंड का फादर, इट मीन्स फादर्स सिस्टर की बात करें, फादर मदर ग्रैंड मदर, ये तरह के रिलेशन है। तो ग्रैंड मदर्स डॉटर, डॉटर कौन हो गई, फादर की सिस्टर, फादर की सिस्टर कौन हो गई, आंट। तो उस हिसाब से जो करीम है, ठीक है, ये करीम है, करीम के लिए वो लेडी कौन हो गई, उसकी आंट हो गई। ठीक है, सिंपल सा हिसाब है, करीम के लिए वो लेडी कौन हो गई, आंट हो गई। तो देखिए, आंट ऑप्शन ए में यहाँ पे दिया हुआ है, तो यहाँ पे ऑप्शन ए जो है वो हमारा राइट आंसर है। तो फ्रेंड्स, आई होप ये ब्लड रिलेशंस आपको क्लियर हुए होंगे। किसी भी तरह की कोई भी क्वेरी हो तो आप बता सकते हैं, और किसी भी तरह का आप कोई और टॉपिक है जो कवर करवाना चाहते हैं, और कोई भी और डाउट हो तो आप जरूर बताइएगा। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे फिर मिलते हैं और भी अच्छी वीडियोस के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।